शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इलाज 13 तारीख की शाम चेतना कॉलेज के रिहर्सल हॉल में 3 मासूम लड़कियों का वैश्याना तरीके से बलात्कार हुआ। वो बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़के ने और इसके 2 साथियों ने मिलकर किया। और इस बात को साबित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवाह है इंस्पेक्टर विजय शर्मा। इंस्पेक्टर विजय, जब आप मुलजिम को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ? सर, बलात्कार की शिकार शीतल डोगरा मुलजिम को देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी, चिल्लाने लगी। जज साहब, वो पहचान नहीं पाई मुझे और उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो लड़का हूं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा, मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगी? ये सही है? जी हाँ। पॉइंट बी नोटेड मी लॉर्ड। अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली। मिस्टर जेटली, जिस दिन कॉलेज में यह हादसा पेश आया क्या आप वही थे? जी हाँ, मैं उस कॉलेज का कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। तो क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके कॉलेज में 3 लड़कियों का बलात्कार करने वाला कोई और नहीं यही लड़का है? बिल्कुल। जब ये लड़का और इसके 2 साथी बलात्कार करके भाग रहे थे तब मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। मिलॉर्ड, मैं अपना आखिरी और अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, चेतना कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस प्रतिभा जेटली। मिसेस प्रतिभा जेटली, क्या आप अदालत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ? जज साहब, मेरी 3 स्टूडेंट्स रिहर्सल हॉल में बैठ के एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। झूठ है जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर अजय, इस औरत ने तुम्हें मंदिर में देखकर शोर मचाया जिसकी वजह से तुम गिरफ्तार हुए। इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा है? नहीं जज साहब। क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाति दुश्मनी है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगी कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये साबित हो चुका है कि मुलजिम अजय ने और उसके 2 साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। जो संगीन जुर्म मुलजिम ने किया है उसके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए दफा 376 दादे राते हिंद के तहत ये अदालत मुलजिम अजय को 7 साल बामुशक्कत की सजा देती है। शिवावर मोहे शुभ कर मन से कभू ना हटू, न डरूं बैरी सौ जब जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दरवाजा बंद कर लो, लॉक द डोर। सर, इरादा तो ठीक है ना आपका? अगर मेरा इरादा गलत होता तो दरवाजा लॉक मैं करता। देखो, तुम जानती हो मैं हूँ एडिटर बड़ा सख्त, क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्त, टाइम से चलना चाहिए। जानती हो तुम हमारी नौकरी जाने वाली है। क्या? बैठो। देखो, तुम्हें मालूम है कि बॉम्बे टाइम का बुरा टाइम चल रहा है, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, इसलिए 100 आदमियों को नौकरी से निकाल देने की लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। सबसे पहले या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं MD साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा।
थैंक यू सर। ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ। नो नो नो। कब करेंगे सर, नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ, कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए। सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है। ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, फाइल फाइल। ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है। देखो, सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस लगता है। अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया। अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा, या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी दो मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे। इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है। क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा। इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है। अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। करूंगी सर। तुम जाओ, रोटी रोजी। अजय, आज तुम रिहा हो रहे हो, बाहर कुछ नहीं बदला है, दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम 4 साल पहले छोड़कर आए थे। मगर इन 4 सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब। मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज छुड़ गया है, मुजरिम। मगर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, कम से कम इस जेल में तो हरगिज नहीं। फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा, कम से कम बेगुनाह बनकर तो हरगिज नहीं। गणेश, आइला, ये स्कर्ट आधा मीटर भी नहीं होगा रे। नहीं रिपोर्टिया, आधा मीटर तो जरूर होगा। क्या बात कर रहा है, 50 रुपए की लगी? चल लगी। बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम्हारी स्कर्ट का माप लेना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चल निकल। अरे क्यों बे, हीरो बनते हो, राह चलती हुई लड़कियों के स्कर्टों के नाप लेते हो? मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ। पकड़ो इसे, ले चलो मेरे थाने। अच्छा हुआ। चल बे चल। ए रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहर नगर। जवाहर नगर? जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या
मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोले तुम? मैंने कहा ना मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूं मैं, किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। फिर दोबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पांव है ना, तोड़ के रख दूंगा। जाओ, सुना नहीं, जाओ यहां से।